आज गुरुदेव जी के चरणों में कोटशा नमन करते हुए उपस्थित समस्त जनमानस का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं गीतकार व गायक नंद कुमार यादव आनंद आप सबसे कोट कोट प्रणाम करता हूँ। वैसे यहाँ पर कुछ गाना इस कीर्तन के बिरहा के महाकुंभ में सूरज को दीप दिखाने के समान है, फिर भी कुछ ना कुछ गुरु जी के चरणों में कहना है। ध्यान दीजिएगा भूमिका के माध्यम से। कहना है सारंग समारे थे सारंग सुवन संग सारंग सुशोभित किए ग्राम सारंग सारंग संसार जब तक रहेगा सारंग अपनी बिखेरेंगे सारंग सारंग संसारंग जिनकी मधुर थी सारंग उपवन खिलाएंगे सारंग सारंग सदृश शीतल गुरु थे नंद कुमार गुण गाएंगे सारंग। एक गीत बजा, मैं नहीं कहता बल्कि आपकी कशिश कहती है, गीत बजा। दूर हटा वो डैडी सैडी बहुत पी लिया कोला कैडी दूर हटा वो डैडी सैडी बहुत पी लिया कोला कैडी अब करेंगे मर्दों वाली बात पियेंगे बियर सीरो साथ में लगे सकती डियर पार्टी चलेगी सारी लचनिया 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 किनारा ना हो वो नदी ही क्या जिसका किनारा ना हो वो घर ही क्या जिसका द्वारा ना हो वो प्यार ही क्या जिसमें इशारा ना हो और वो कार्यक्रम ही क्या जिसमें गुरु का जयकारा ना हो तो अर्जुन भाव रहा लेकिन कहना है कैसी अद्भुत श्याम की माया बरसी माधो गुरुप दाया कैसी अद्भुत श्याम की माया बरसी माधो गुरुप दाया श्याम चरित मानस के रचना सार कैसी बरसी कैसी अद्भुत श्याम की माया बरसी माधो गुरुप दाया श्याम चरित मानस के रचना सार पिताजी घी के दिए जलाए हमने अलंग मुहावरे और कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश किया है। पिताजी घी के दिए जलाए देवपति ना फूल समाये पिताजी घी के दिए जलाए देवपति ना फूल समाये 48 में जन्म लिए सरकार जन्म 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 गुरुवर का मनाएंगे रात भर की रोटी सपन सपन स्वप्न गुरुवर का सजाएंगे
मन में खिलाएंगे। कहना है एक गीत बजा भोजपुर वाले ने गीत दिया, अरे जातालु माई के दर्शन तू करे, अरे मोबाइल बांधा के चरण रेत पे जीता, अरे मानव ना हम चाकर लेट पे जीता, चाऊ मिल चाट के पलेट पे जीता, तो गुलत पे जीता, 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 गुलत पे जीता। अरे बुलट पे जीजा, बुलट पे, हाँ ये तो और जरूर हार हार, लेकिन कहना है भोजपुरी औधी के कब गुरु ज्ञानी, भोजपुरी औधी के गुरु ज्ञानी, अरे गायकी में जिभ्या पे शारदा भवानी, अरे इमली के पात पे बारात का डेरा, इमली के पात पे बारात का डेरा लोकोक्ति है, असंभव बात। सभी लोगों से मुझे बताता था कि हमारे गुरुजी महाकाव्य लिख रहे हैं तो कोई विश्वास नहीं करता था। इमली के पात पे बारात का डेरा असंभव बात, लेकिन गुरुजी ने साकार कर दिया। कैसे? अरे इमली के पात पे बारात का डेरा, अरे गुरु जी ने जब दीनानाथ का फेरा, यदुनाथ फेरा हाथ नाथ फेरा, यदुनाथ फेरा हाथ नाथ फेरा, अरे श्याम चरित मानस विख्यात भाई, यदुनाथ फेरा हाथ नाथ फेरा, श्याम चरित मानस विख्यात भाई की तरह पूरे विश्व में चमक रहा है। आज मालम लगा है कहन का, ये तो वर्जन भाव रहा, लेकिन कहना है आम के आम कुठली के दाम लौले गुरु, दोनों हाथों में लड्डू थमौले, आम के आम गुठली के दाम लौले गुरु, दोनों हाथों में लड्डू थमौले गुरु, दोनों हाथों में लड्डू थमौले गुरु, मुख पे राम बगल में छुरी, गुरु जी ने कहा मुख में राम बगल में, ये भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिसको मानना चाहिए श्रद्धा से मानना चाहिए, सबके साथ बराबर का भेद रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मुख पे राम बगल में छुरी, तो कबो ना घन श्याम पाई हो, और जब बबूल बोईबा तो हाथी कैसे आम आई हो, अरे आंखें खुली सबकी भाल ज्योत बिखेरा, और आए मानस कंज सब खात हरेरा, हाथ नाथ फेरा हाथ नाथ फेरा, हाथ नाथ फेरा हाथ नाथ फेरा, अरे जीवन बनाए जगन्नाथ सबेरा, हाथ फेरा हाथ नाथ फेरा, हाथ नाथ फेरा, हाथ नाथ फेरा, हाथ नाथ।
जीवन में सवेरा हाथ नाथ तीसरी धुन में कहना है फिर भी दुलारों ने गीत दिया अरे हम भूल गए रे हर बात अरे हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले लेकिन अपनी ओर से कहना है गीत के माध्यम से अरे जय 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 गुरु महाराज जय जय गुरु जय 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 गुरु महाराज लाज कभी दास की ना जाए सब आप के बिन सब आप के बिन लाज कभी दास की ना जाए जय 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 गुरु महाराज लाज हाँ अब शायद हमारा समय खत्म हो चुका है लेकिन आखिरी कल्पीस गुरु जी के चलों में दो अंतरा में काट दे रहा हूँ इसमें भी मैंने मुहावरे को संजोया था लगभग एक दर्जन मुहावरा था गीत में लेकिन आखिरी भाव गुरु माधो गुरु माधो दासयन जल न उठे तेरी खीर लेख दिखलाता है धावर पथ न रखाता है गुरु माधवदास अन्न जल न उठे अन्न जल उठना ये मुहावरा है इसका मतलब संबंध समाप्त होना गुरुदेव कभी संबंध आप समाप्त मत करना अपने बालकों से टेढ़ी खीर लेख दिखलाता है टेढ़ी खीर इसका अर्थ हुआ कठिन कार्य गुरुदेव लेखनी बहुत कठिन कार्य लगती है लेकिन आपके चरणों का आसरा लेकर के आशीर्वाद लेकर के थोड़ा हो जाता है नंद कुमार है गोबर गणेश गुरु राधा और पथना लखाता है गोबर गणेश ये भी मुहावरा है इसका अर्थ महामूर्ख नंद कुमार है गोबर गणेश गुरु राधा और पथना लखाता है दर्शन हुआ जब मोहताज पहले लाइन में मैंने बेताज कहा और दूसरी लाइन तो नहीं गाए उसमें सरताज था और तीसरी लाइन में मोहताज दर्शन हुआ अब मोहताज लाज कभी दास के दर्शन हुआ